आप सब लोगों का एग्जाम हो चुका है, सबसे ज्यादा बच्चे इसी को लेकर परेशान रहते हैं कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट कितने मार्क्स तक मिलेगी, किस रैंक तक मिलेगी। आज बात कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा। आप सभी लोग जानते हैं एमसीसी काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया कोटा सभी स्टेट लेवल के जितने भी आपके कॉलेज हैं उनका 15% सीट रहता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एम्स का 100% वहाँ पे एमबीबीएस के लिए सीट रहता है। तो ये होती है आपकी एमसीसी काउंसलिंग, कुछ लोग इसको ऑल इंडिया काउंसलिंग भी बोल देते हैं। तो इस साल 2024 में कट ऑफ क्या रहेगा? तो पहले तो भैया मैं ये मान लेता हूँ कि जो कट ऑफ है 2023 के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, 2024 का भी कोई आधार नहीं है। मैंने भी मोर देन 50 स्टूडेंट से बात करी होगी दो सेंटर पे, उसमें से ज़्यादातर बच्चे बोल रहे थे कि लास्ट ईयर जैसा ही है, कुछ बोल रहे थे कि लास्ट ईयर से भी सिंपल है, केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ बोल रहे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई, बायो बहुत सिंपल था ज़्यादातर बच्चों के लिए और पूरा पूरा स्कोर भी बच्चों का आ रहा है, काफ़ी बच्चों का आ रहा है, 330, 340, 350 तो बहुत ज़्यादा बच्चों के आ रहे होंगे। अभी हम लोग बिल्कुल भी अंदाजे वाली बात नहीं करेंगे, हमेशा गलत निकलता है, सारे प्रोडक्शन झूठे हो जाते हैं, तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख के परेशान भी ना हो, सीधा रिजल्ट का वेट करिए। और अभी हम लोग केवल 2023 के कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। आप वही मान लीजिएगा कि 2023 वाला ही रिजल्ट आने जा रहा है, तो ये जान लीजिएगा कि 2023 में कहां तक मिलेगा काउंसलिंग में, कोई भी कहां तक मिला था 2023 में काउंसलिंग में, कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लास्ट तक पूरी काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, इसी के अकॉर्डिंग अभी आप मानिएगा, बाकी रिजल्ट के बाद दोबारा से फिर आपको वीडियो मिल जाएगा रियल कट ऑफ का, अभी आप 2023 का कट ऑफ ही मान के चले। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में का ये मैं सबसे सटीक आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, जो इसके बाद कॉलेजेस नहीं मिले थे, स्कोर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ओपन को 610 तक मिला था, ओबीसी को भी 610 पे मिला था, ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे तो 607 पे मिला था, 610 ओपन और ओबीसी का था, ईडब्ल्यूएस के 607 था, एससी 480 और एसटी का 415 था। ओपन पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो ओपन और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी को 121 पे मिला था, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 107 पे मिला था। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आपको 100% मिलेगा, नहीं आ रहा है तो परेशान मत होइए, रियल रिजल्ट का भैया वेट कर लीजिएगा। अगर आप रैंक के अकॉर्डिंग पूछेंगे आप स्पेशल राउंड तक देख सकते हैं, 610, 607 स्कोर नहीं बदला था, रैंक भी आप देख लीजिए 23,000, 25,000, 23,000, 1,29,000, 1,69,000, रैंक ही सही मानक है तय करने का, रैंक ज़रूर बढ़ेगी लेकिन ज़रूरी नहीं है स्कोर भी कम हो, हो सकता है कि इस बार 27,000 रैंक ही 610 नंबर पे आए, तो एक अलग बात है। कि आपको आइडिया देने के लिए, अभी चैनल पर महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें जो जिसने भी एग्जाम दिया है, और बाकी काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए।